नामवर सिख चिंतक अते विद्वान जय तेग सिंह अनंत ने भाई साहिब भाई रणधीर सिंह संबंधी संपादित अते प्रकाशित अपनियां नौ पुस्तकां दे राखवें हक भाई रणधीर सिंह ट्रस्ट यूके दे संचालक जुजार सिंह नूं सौंप दित्ते हन। बीते दिन इंग्लैंड तो विशेष तौर ते उन्हां दे निवास स्थान सरी विखे पुज्जे जुजार सिंह नूं लिखती रूप विच एक अधिकार पत्र सौंपदिया जय तेग सिंह अनंत ने कहा है कि उन्होंने सेहत ठीक नहीं चल रही, जिस करके उन्होंने मार्च 2008 तो मार्च 2014 तक संपादित कीतियां नौ पुस्तकां जन पर उपकारी आई, सिरदार, पंचनद, रागमाला दर्पण, रागमाला निर्णय, सिमरती ग्रंथ, भाई साहिब भाई रणधीर सिंह जी, गदरी योद्धे, गदरी लहर दी कहानी, गदर दी गूंज ते भाई साहिब भाई रणधीर सिंह दे कापीराइट्स जुझार सिंह नूं सौंप देण दा फैसला कीता है, तां जो भविख विच जदों भी इन्हां पुस्तकां नूं मुड़ प्रकाशन करन दी जरूरत पवे तां भाई रणधीर सिंह ट्रस्ट यूके लोड अनुसार इन्हां अधिकारां दी वरतों कर सके। अधिकारित पत्र विच एह भी कहा गया है कि इन्हां पुस्तकां दे प्रकाशना विचों मिली लाभ पूंजी भाई साहिब भाई रणधीर सिंह ट्रस्ट यूके नूं दित्ती जावे तां जो ओह सिक्खी दे प्रचार ते प्रसार दी प्रफुल्लता लई होर उत्साह नाल कार्ज कर सकन। समुचे आलमी जगत दे विच रह रहे मेरे दोस्त सनेही ते वड्डी गिनती च मेरे पाठक वर्ग, तुसीं मैनूं पिछले समय बहुत प्यार ते मोहब्बत दित्ती, मेरियां पुस्तकां नूं बहुत प्यार ते खलूस दित्ता। तुसीं जानदे हो कि मैं पिछले 15 सालां दे विच मेरियां 18 पुस्तकां पाठकां दी झोली च पै चुकियां ने, और पिछले 4.25 साल तो मैं निरंतर डायलिसिस से जा चुका हाँ। ये जिहड़ा डायलिसिस है ये मेरा हफ्ते च 3 दिन होंदा है, और इस वक्त ये पोजीशन ये हो चुकी है मैं पहले नालों काफ़ी निडाल हो चुका हाँ, और डॉक्टरां दी एडवाइस ते पहला मैं स्टिक पढ़दा सा, हुण मैनू वाकर पढ़न की लोड़ पै गई है, क्योंकि डॉक्टर जिहड़े ने उन्हां दी एडवाइस है कि सानू डर है कि आफ्टर डायलिसिस तुसीं कितें गिर ना जाओ और तुहाडी कोई हड्डी टुट ना जाए। इन्हां हालातां दे विच ये मैं फैसला कीता है कि जिहड़ियां मेरियां पुस्तकां ने ये पुस्तकां दा जिहड़ा प्रकाशन है मेरे मगरों ये जिहड़े कॉपीराइट्स ने ये सारा कुछ मैं किसी योग बंदे नूं सौंप दिया तां जो मेरे मगरों पुस्तकां दा प्रकाशन दे विच कोई किसी किस्म दी ओकड़ ते कुटनाई ना होवे। इस नज़र विच मैं जिहड़ी चोण कीती है वो इको एक इंग्लैंड दे जमे पले ते वड्डे होए भाई जुझार सिंह नूं चुनिया है। भाई जुझार सिंह भाई रणधीर सिंह ट्रस्ट यूके दा रूह रवां है, और इंग्लैंड दे विच मिनियां मेरियां जिन्नियां भी पुस्तकां प्रकाशित होईयां ने इन्हां ने वड्डी गिनती च मेरियां पुस्तकां दा प्रचार ते प्रसार करन विच अपना कीमती समां दित्ता, हाथ बटाया, ते मैं ये निश्चय दे अनुसार क्योंकि इंग्लैंड दे विच जिहड़ा इन्हां दा ट्रस्ट है वो भाई साहिब भाई रणधीर सिंह दे विरसे ते विरासत दी तर्जमानी कर रहा है, और ये उत्थों दे एक खालसा स्कूल दे ऑनरेरी चेयरमैन भी ने, ये सारियां गल्लां दे मद्देनज़र ये मेरा एक फैसला है कि मैं क्योंकि ये विशेष तौर पर इत्थे मैनू मिलन लई वैनकूवर की धरती ते आए ने, और मैं अपने मन नाल विदाउट एनी कंडीशन मैं अपनी नौ किताबां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਈ ਮਾਰਚ 2008 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਨਦ ਪੁਸਤਕ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਰਪਣ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਿਰਣੇ 2012 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ 2012 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਹ 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ 9 ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਪੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਤੇਕ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤ ਹੋਰਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।